हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान में। और मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी LIC पॉलिसी में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब LIC अपने काफी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ऑनलाइन लेके आ रही है। सबसे पहले LIC एक बेनिफिट लेके आई थी जिससे हम ऑनलाइन LIC की पॉलिसी बाय कर सकते हैं। हमें अगर LIC की पॉलिसी बाय करनी है तो LICIndia.in पर जाके हम ऑनलाइन LIC पॉलिसी बाय कर सकते हैं। इसके बाद LIC एक बेनिफिट लेके आई थी जिससे आप पेटीएम के थ्रू अपनी LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप LICIndia.in पर जाके भी अपनी LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके अलावा LIC की तरफ से यहाँ पे एंड्रॉइड एप्स भी लॉन्च की गई है जो कि LIC कस्टमर्स के लिए भी है और LIC एजेंट्स के लिए भी है। तो इस तरह के काफी सारे जो ऑनलाइन बेनिफिट हैं वो LIC आजकल अपने लेके आ रही है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और आप चाहते हैं कि हर चीज आपके मोबाइल से ही पॉसिबल हो जाए और मोबाइल से ही आप इन सभी फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकें। तो अब LIC ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट www.licindia.in पर एक नया ऑप्शन दे दिया है जिसपे लिखा है अपडेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ से आप अपनी पॉलिसी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेगी उसके बाद यहाँ पे आपको इन डिटेल्स को फिल करना है। तो जिस भी पॉलिसी में आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना होगा। फुल नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी जो भी आपके LIC के डॉक्यूमेंट्स में है। आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे ऑलरेडी 91 लिखा हुआ है जो कि इंडिया का कंट्री कोड है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ईमेल आईडी देनी है जो भी आपकी एक ईमेल आईडी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप अपनी पॉलिसी में अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको चूज करनी है कि आप कितनी पॉलिसी आपकी है, कितनी पॉलिसी में ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 10 पॉलिसी तक का ऑप्शन दिया गया है जिसमें जितनी भी आपकी पॉलिसी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और क्लिक करना है सबमिट के बटन पे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपका ये पॉलिसी नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना पॉलिसी नंबर एंटर कर देना है। तो अभी के लिए मैं अपना पॉलिसी नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैलिडेट पॉलिसी डिटेल्स पर। जैसे ही आप वैलिडेट पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट स्टेटस। इसका मतलब जो भी आपने रिक्वेस्ट दी है उसका स्टेटस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है पॉलिसी ऑलरेडी रजिस्टर और अंडर प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए पहले ही यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो मैंने कुछ दिन पहले इस पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एंटर की थी। अगर आप अपनी यहाँ पे रिक्वेस्ट पहली बार एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट स्टेटस में सक्सेसफुल लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस सक्सेसफुल देखने को मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेंड रिक्वेस्ट पे। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे जो भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आपकी पॉलिसी में अपडेट हो जाएगी या उसकी रिक्वेस्ट LIC के पास चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी LIC पॉलिसी में अपडेट कर दी जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने एंटर की है वो LIC के पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होती है तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट स्टेटस में देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच। इसका मतलब जो आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही है, आप यहाँ से अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ जाता है तो ही आपको यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ही आप अपने पॉलिसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ है कि काइंडली नोट दैट रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड ओनली फॉर द पॉलिसी शोइंग रिक्वेस्ट स्टेटस एज सक्सेसफुल। इसका मतलब अगर आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस में सक्सेसफुल शो करेगा
तो ही आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं आया है, इसके अलावा कुछ भी आते हैं, तो आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप LIC की कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप LIC कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट जरूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम प्रीमियम रिमाइंडर मिल सके, या आपकी LIC पॉलिसी से रिलेटेड कोई और अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इंश्योरेंस से रिलेटेड आप सभी को अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।